दोस्तों मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्यगजेश और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5G की। हम बात करेंगे 5G के फायदों की, 5G के नुकसान की, 5G की स्पीड क्या होने वाली है और साथ ही में एक और बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा वो ये कि इंडिया में अब जो 5G फोन आ रहे हैं ना उनमें से बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जो लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन शायद जब इंडिया में 5G आए तो वो आपके किसी काम के ना रहे। मतलब लोग फोन ये सोच के खरीद रहे हैं कि भाई 5G इनेबल्ड फोन है, फ्यूचर प्रूफ फोन है, लेकिन जब इंडिया में 5G एक्चुअल में आएगा तो वो फोन आपके लिए किसी काम के नहीं होंगे। वेल विल टॉक अबाउट इट, चले करते हैं वीडियो शुरुआत। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे 5G के फायदे क्या मिलेंगे, मतलब क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगा 5G आपके लिए और आपकी एक्चुअल लाइफ में कितना डिफरेंस पड़ेगा 5G से। अब देखिए एक मेजर फायदा जो सबको लगता है कि भाई 5G के साथ में आएगा वो ये कि आपको स्पीड तेज मिलेंगी, इंटरनेट फास्ट होगा, डाउनलोडिंग फास्ट हो जाएगी, तो ये सच है। और हम बात कर रहे हैं मतलब 1 Gbps, 1.5 Gbps, तो काफ़ी फास्ट आपकी एक्चुअली इंटरनेट की डेटा स्पीड होने वाली है, तो ये काफ़ी बढ़िया होगा। उसी के अलावा और बहुत फायदे हैं, मतलब सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं, काफ़ी कुछ और भी है जो आपको 5G के साथ में यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा उनके अंदर। ऐसी ही एक और चीज़ है यहाँ पे लो लेटेंसी, मतलब कि मान लीजिए आप गूगल पे गए, आपने गूगल पे को सर्च किया, आपने एंटर प्रेस किया, आप जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो गूगल की वो जो कमांड है वो जाएगी गूगल के सर्वर पे और वहाँ से गूगल का सर्वर रीड करके उसको रिस्पॉन्ड करेगा और फिर मिलेगा आपको आपका सर्च रिजल्ट। तो एक्चुअली ये जो टाइम है लेटेंसी इसको बोलते हैं, मतलब कितना कम टाइम ये हो सकता है उतना ही फास्ट आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस लगेगा। अब 5G जब आएगा तो आपको एक्चुअली यहाँ पे लेटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। अब अगर बात करें 4G की तो 4G में करीबन 45 to 50 मिलीसेकंड का लेटेंसी रहता है, 5G में हम बात कर रहे हैं 1 मिलीसेकंड की, मतलब लेटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी और आपको एक्चुअली काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस रहेगा इंटरनेट का। और जब मैंने कहा लेटेंसी तो सिर्फ यहाँ पे मतलब सर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग की भी। तो आप गेम खेलते हैं, आप मान लीजिए पिंग में बहुत टाइम लगता है वहाँ पे, तो ये जो गेमिंग का आपको जो लेटेंसी होता है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। आप बात करें मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, तो वहाँ पे कार्स को एक्चुअली डेटा चाहिए होता है कि भाई कौन सी जगह पे हैं, कहाँ मुड़ना है, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। तो मतलब आपके डिवाइस जो भी हैं, स्मार्ट डिवाइस हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे और काफ़ी फास्ट बात कर पाएंगे, तो ये जो है वो लेटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी और एक्चुअली आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे जो 5G है उसमें एक और फायदा होगा, वो ये कि 5G जो है वो 4G के मुकाबले करीबन 10 गुना ज़्यादा डिवाइस को एक साथ हैंडल कर सकता है, उसके जो नेटवर्किंग टावर्स हैं वो। अब अगर आपको याद हो आपके मान लीजिए घर पर कभी 3G आपने यूज़ किया हो बहुत टाइम पहले, तो शाम के टाइम वाले जहाँ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत से और लोग भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी प्रेशर बढ़ता है नेटवर्क पे तो आपकी स्पीड कम हो जाती थी। तो पहले ये बहुत ज़्यादा था, मतलब 4G में कम हो गया लेकिन 3G में बहुत था कि आप शाम को यूज़ कर रहे हैं आपको स्पीड नहीं मिल रही, आप परेशान हो रहे हैं यार ये तो स्पीड नहीं आ रही है। अब 4G में हालांकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और काफ़ी हद तक ज़्यादा लोग भी अगर यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको नेटवर्क में स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती थी, लेकिन वहाँ पर भी लिमिट थी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मुंबई में हैं, आप अंधेरी स्टेशन पर हैं, आप शाम को 6 बजे हैं, आप जब मतलब ऑफिस से लोग निकल रहे हैं, आप ऐसे में उतने ज़्यादा कंजेशन में अगर आप फ़ोन निकालें आपको सर्च करें नेट पे आपको स्पीड नहीं मिलेगी, आप परेशान हो जाएंगे। और आपकी इसका रीज़न ये होता है कि जो टावर है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब बहुत लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को तो कुछ नहीं कर पाता और आप वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब ऐसे में 5G में ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, रीज़न में कि ये जो एक्चुअली जो कंजेशन जो होता है उसको 5G जो नेटवर्क है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़िया से हैंडल कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक टावर मान लीजिए 1 लाख डिवाइस को संभाल सकता है, 5G पे वही टावर आपकी 10 लाख डिवाइस को भी संभाल पाएगा, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा और इससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। मतलब आपके डेफिनेटली मतलब अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और कहीं बहुत मान लीजिए स्टेडियम में यहाँ फॉर एग्जांपल, तो आपको इंटरनेट की स्पीड वहाँ पे भी बढ़िया मिलेगी और आपको कुल मिला के एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा और आपको 5G मतलब बढ़िया स्पीड यहाँ पे देगा। अब इसी के अलावा देखिए जो फायदे हैं ये तो मैंने बात की कि ये फायदा को मिलने वाले हैं, तो ये सब तो होंगे, लेकिन ये सब एक्चुअली होगा कैसे, मतलब एक्चुअली 5G में क्या ऐसा अलग है कि आपकी जो एक्चुअल डेटा स्पीड है बढ़ जाएगी, आपका कंजेशन कम हो जाएगा, आपकी लेटेंसी मतलब इंप्रूव हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, कैसे होगा? देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे 5G बैंड्स की। अब देखिए 5G के जो बैंड्स हैं आप बहुत जगह सुन रहे होंगे भाई मिलीमीटर वेव के बैंड आ रहे हैं, आपने सुना होगा सब-6 बैंड्स आ रहे हैं। अब एक्चुअली में 5G के दो तरह के बैंड्स आपको फ़ोन में मिलेंगे या मिल रहे हैं। अब अगर बात करें अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें से कुछ फ़ोन्स में मिलीमीटर के बैंड्स हैं, कुछ फ़ोन में सब-6 के बैंड्स हैं। अब जो दो टेक्नोलॉजी हैं 5G के बैंड्स के लिए वो यही हैं, मतलब मिलीमीटर वेव है और एक है सब-6 बैंड। अब एक्चुअल में जो मिलीमीटर वेव है वो एक ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। अब जब मैंने कहा सुपीरियर मतलब ये है कि ये ज़्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी है, आपको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा फास्ट मिलेगी तो मिलीमीटर वेव पे मिलेगी, पर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी हैं और इनको एक्चुअली फिजिकली इंप्लीमेंट करना ग्राउंड पे
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है वो तो हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सब 6 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है ये एक्चुअली क्या है और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। अब देखिए एक्चुअली ये जो बैंड है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 410 MHz से लेकर 6000 MHz की फ्रीक्वेंसी तक की, और इवन कुछ जगह पे तो मतलब फ्रीक्वेंसी को और आगे बढ़ाने की बात चल रही है। अब ऐसे में है ये कि आपको ये जो पूरा बैंड मिलेगा इसके दो डिमार्केशन है, दो पार्ट है, मतलब एक है 1000 MHz से कम की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे और एक है 2500 MHz से ऊपर की फ्रीक्वेंसी। अब जो 2500 से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्वियसली आपको स्पीड फास्ट देगी, लेकिन यहाँ पर आपको रेंज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और जो 1000 MHz से कम की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे आपको स्पीड तो 4G के बराबर मिलेगी लेकिन आपको रेंज अच्छी मिलेगी और ऑब्वियसली आपको जो मल्टी डिवाइस सपोर्ट है, लेटेंसी, वो सब इंप्रूव हो जाएगा, तो एक्चुअल एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए आपके घर में राउटर होगा, वहाँ पे आपको दो बैंड मिलते हैं, एक है 2.4 GHz और एक है 5 GHz का। अब जो 2.4 GHz का बैंड है वहाँ पर आपको स्पीड तो कम मिलती है लेकिन आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। मतलब आप मान लीजिए राउटर लगा आपके घर के बीच में, किसी हॉल में लगा हुआ है, आपके रूम कहीं बहुत दूर है, तो आपको एक्चुअली में 2.4 GHz का बैंड वहाँ मिल जाएगा, स्पीड भले कम मिले। इसी से जो दूसरा बैंड जो होता है 5 GHz, वहाँ पे क्या होता है कि आपको बैंड की जो एक्चुअल रेंज है वो तो कम मिलेगी लेकिन स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अब यही सेम फंडा यहाँ पर आपको 5G के लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब ये है कि जो आपके लोअर फ्रीक्वेंसी के बैंड्स हैं वहाँ पर एक्चुअली आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी लेकिन स्पीड कम मिलेगी, और जो हायर फ्रीक्वेंसी के बैंड है वहाँ पर आपको रेंज तो कम मिलेगी लेकिन आपको यहाँ पर स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अब क्योंकि इंडिया में जब फाइनली 5G आएगा तो सिर्फ एक बैंड पे कोई भी मतलब सर्विस देना पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा जहाँ पे मान लीजिए आप कहीं गांव की बात करें जहाँ पे बहुत लोकेलिटी थोड़ी कम है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई 1000 MHz से जो कम के बैंड्स हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ताकि होगा ये कि भाई बहुत दूर तक फ्रीक्वेंसी जा पाए और एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस मिले काफ़ी बढ़िया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सिटीज़ की तो वहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं और उनको फास्ट नेट बहुत नज़दीक चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा वहाँ पर जो मिड बैंड जो है बेसिकली जो 2.5 GHz के बैंड है उससे ऊपर की जो बैंड है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मतलब कि मल्टीपल बैंड्स मिलेंगे आपको सब 6 GHz के कैटेगरी के, और ये सारे बैंड का सपोर्ट अगर आपके फ़ोन में है तो आपका फ़ोन 5G का यूज़ कर पाएगा, अगर मान लीजिए नहीं है तो फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएगा। अब हालांकि मैं बात करूंगा अभी कि ये जो बैंड का प्रॉब्लम है, मतलब अभी जो फोन आ रहे हैं उनमें जो बैंड जो है ये कम आ रहे हैं, और आज अगर आप फोन खरीदते हैं 5G का तो हो सकता है कि आपके फोन को आप 5G पे इंडिया में यूज भी ना कर पाए। तो इससे पहले बात करते हैं कि दूसरा जो मिलीमीटर बैंड है ये एक्चुअली क्या करता है। अभी देखिए मिलीमीटर वेव बैंड जो है ये एक्चुअली एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर आपको इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट मिलती है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको रेंज बिल्कुल ही कम मिलेगी। मतलब आप बात कर रहे हैं कि आप 50-100 मीटर आप जाएंगे तो आपकी रेंज खत्म हो जाएगी, और इसमें भी दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना जो इसकी वेव्स होती है बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, मान लीजिए कोई पेड़ आ गया, कोई फॉग आ गया, बारिश आ गई, कोई दीवार आ गई, तो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो आप बिल्कुल अगर मान लीजिए सिंगल एकदम सामने खड़े हैं आपके टावर के तो आपको स्पीड मिलेगी, जैसे ही आप कहीं साइड में गए तो आपको टावर की स्पीड नहीं मिलेगी। अब इसको ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज आपको बहुत सारे छोटे टावर्स लगाने पड़ेंगे तब जाके आप इसके नेटवर्क बना पाएंगे, और उसके बाद जाके आपको ये पूरी मिलीमीटर वेव की टेक्नोलॉजी 5G के लिए आपकी काम करेगी। अब ऐसे में होगा ये कि इसको इम्प्लीमेंट करना एक तो एक्सपेंसिव है, और होगा ये कि फाइनली इसको एक्चुअली कुछ ही एरियाज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाकी मेजरली सब जगह आपको सब 6 GHz के बैंड्स मिलेंगे। अब बहुत से फ़ोन ऐसे हैं जहाँ पर आपको मिलीमीटर वेव का बैंड मिलता है, बहुत से फ़ोन में नहीं मिलता है। अब अगर आईफोन की बात करें तो iPhone 12 जो है, iPhone 12 में जो US में जो फोन बिक रहे हैं ना वहां पर सिर्फ मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड दोनों बैंड हैं। उसके अलावा इंडिया में या और किसी भी कंट्री में जो फोन मिल रहे हैं वहां पे मिलीमीटर वेव का बैंड नहीं है और सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड ही मिल रहे हैं आपको 5G के लिए, और इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई इंडिया में जो फोन आ रहा है वो 5G के लिए टेक्नोलॉजी सुपीरियर नहीं है, और ये रियलिटी है, मतलब ऐसा ही है। अब ऐसे में हो रहा है ये कि अभी जो 5G फोन आ रहे हैं ना यहां पे इंडिया में उन सब में इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब बात करें OnePlus Nord जो है वो इंडिया का सबसे सस्ता 5G फोन है। अब हालांकि यहाँ पे Moto G या और फोन्स भी आ रहे हैं लेकिन जो Nord जो है यहाँ पे सब 6 GHz का सिर्फ एक बैंड है। अब इंडिया में जब फाइनली यहाँ पे नेटवर्क आएगा हमारे पास 5G का तो हमारे पास मल्टीपल बैंड पे सपोर्ट होगा। अब ऐसे में OnePlus Nord अगर उसमें है, आपके पास में आज है, आपने खरीद लिया मान लीजिए, तो आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप स्टक हो जाएंगे बिकॉज आपके फोन में हार्डवेयर ही नहीं है और आपको प्रॉब्लम उस तरह की होगी। इवन आपके OnePlus के 8T में भी सिर्फ एक बैंड है सब 6 GHz का और मिलीमीटर वेव का भी सिर्फ एक ही बैंड है। अब ऐसे में अगर आप आज फोन खरीद रहे हैं तो आप खास ध्यान रखें कि आपके फोन में हार्डवेयर कौन सा है, आपके फोन में मतलब 5G के लिए कौन कौन से हार्डवेयर हैं, कौन कौन से बैंड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फोन खरीदें। बिकॉज आपने फोन खरीद दिया सोच के ये भाई मेरा फोन तो फ्यूचर प्रूफ है, आपने अब लिया है तो आप
आप बिंदास 5G यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, तो आप खास ध्यान रखें, उसके बाद ही फ़ोन कर दें। खैर ऐसे में ये थे मेरे ओपिनियंस 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और ये जो स्मार्टफोन का ये जो पूरा इशू है इसके बारे में। कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहें, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।